अनूपपुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया। कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया प्रतिनिधियों को जानकारी दी कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरांत निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है। प्रकाशित नामावली के अनुसार अनूपपुर जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 5,03,724 है। इनमें 2,57,053 पुरुष मतदाता, 2,46,667 महिला मतदाता एवं थर्ड जेंडर के कुल 4 मतदाता हैं। विधानसभा क्षेत्र कोतमा में 76,994 पुरुष मतदाता, 72,391 महिला मतदाता एवं थर्ड जेंडर के 1 मतदाता हैं। इसी प्रकार विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर में 85,768 पुरुष मतदाता, 80,891 महिला मतदाता एवं थर्ड जेंडर के 3 मतदाता हैं तथा विधानसभा क्षेत्र पुष्पराजगढ़ में 94,291 पुरुष मतदाता एवं 93,385 महिला मतदाता हैं। ग्लोबल हेराल्ड के लिए अनूपपुर से आदर्श दुबे की रिपोर्ट। जिला अनूपपुर के तीनों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन किया गया है। विधानसभा क्षेत्र 86 कोतमा, विधानसभा क्षेत्र 87 अनूपपुर, विधानसभा क्षेत्र 88 पुष्पराजगढ़, तीनों विधानसभाओं को मिलाकर कुल 5,03,724 मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा चुके हैं। आज के इस अंतिम प्रकाशन के उपरांत नाम जोड़े जाने की कार्रवाई सतत चलती रहेगी और विशेष अभियान 2 एवं 3 मार्च को चलाया जाएगा, जिसमें नाम जोड़ने के लिए और कारगर कोशिश की जाएगी। 18 से 20 वर्ष के करीब 13,000 नए नाम जोड़े गए हैं और यदि कोई 18 से 20 वर्ष का व्यक्ति नाम जोड़ने से छूट गया हो तो उनसे अपील है कि वो भी 2 और 3 मार्च के हमारे विशेष अभियान में आगे आकर फॉर्म 6 भरें और चुनाव घोषित होने के दिनांक तक भी ये फॉर्म भरे जा सकते हैं, नाम निर्देशन के दिनांक तक भी भरे जा सकते हैं। 2,57,053 मतदाता महिला, 2,46,667 मतदाता और तृतीय लिंग के 4 मतदाता, इस तरह से कुल 5,03,724 मतदाता तीनों विधानसभा क्षेत्र में अभी निर्वाचन नामावली में जोड़ दिए गए हैं, जिसका प्रकाशन आज किया जाएगा।